मॉर्निंग बच्चों, के आर कम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुंगा आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हमें सपनों के से दिन इस अध्याय के बारे में हमें चर्चा करते हुए पिछले कक्षा में वह पाठ समाप्त हुआ था। पाठ के साथ पाठ के पीछे जो प्रश्न है उन प्रश्नों के उत्तर और प्रश्नों के उत्तर पूरा हम चर्चा करते हुए पिछले कक्षा में वह पाठ हम समाप्त किए थे। ठीक है, तो आज इस कक्षा में बच्चों में एक नया विषय के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, मतलब तो एक नया पाठ शुरू करेंगे। तो पाठ आपका भाग दो, स्पर्श भाग दो क्या किताब है, उस किताब का है। ठीक है, और पाठ शुरू करने से पहले हम एक दो मिनट विषय के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों बच्चों आप देखते रहते हो वर्षा ऋतु में। ठीक है, वर्षा ऋतु मतलब रेनी सीजन। ठीक है, तो उस समय वर्षा ऋतु में और अब ये क्या होते हैं, तीन सीजन। ठीक है, तीन काल है। ठीक है, उसमें बरसात का, ठीक है, गर्मी का और ठंड का। अब तो क्या चल रहा है, ये तो क्या है, सर्दी का सीजन। ठीक है, सर्दी का मौसम अब चल रहा है, उसी तरह गर्मी और बरसात। ये तीनों काल में पर्यावरण है। ठीक है, मतलब यह वातावरण क्या होता है उसका भी रूप, जिस तरह इस मौसम में प्रकृति में मतलब यह वातावरण में वातावरण का रूप, ठीक है, बदलता है, आप देख लिए। ठीक है, जिस तरह बरसात में ज्यादा से ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है, और उसी तरह गर्मी में ज्यादा धूप रहता है और उसी तरह सर्दी में ज्यादा ठंड रहता है। मौसम जिस तरह बदलता है उसी तरह प्रकृति का रूप भी क्या होता है, बदलता है। वह जिस तरह बदलता है, ठीक है, और साथ पर्वत प्रदेशों में भी अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे आसपास का वातावरण देख रहे हैं। ठीक है, तो इधर पर्वत प्रदेश के बारे में जरा हम सोचेंगे। पर्वत, ठीक है, बड़े बड़े पर्वत, पहाड़ व पड़ा पहाड़ों से बड़े भरा हुआ पर्वत क्या होते हैं, वहां भी क्या होता है, रूप बदलता रहता है। जिस तरह मौसम बदलते हैं उसके साथ तो उनका रूप भी बदलता है। तो गर्मी के सीजन में क्या होता है, तो पेड़ पौधे सभी सूख जाते हैं, हाँ, और बरसात में वो क्या होते हैं, बहुत देखने के लिए खूबसूरत रहते हैं, तो पूरा वातावरण हरा भरा दिखता रहता है। उसी तरह ठंड में भी क्या होता है, सभी पेड़ पौधे धूल से भरे हुए रहते हैं, समझ में रहे ना। तो ऐसा क्या होता है, अरे हर एक मौसम में पर्यावरण पर्यावरण का रूप भी क्या होता है, बदलता। वर्षा ऋतु में मतलब बरसात के मौसम में क्या होते हैं, सभी पेड़ पौधे और पूरा पर्यावरण क्या होता है, हरे भरे से हरे भर हरा भरा दिखता। ठीक है, और वह पर्वत में क्या होता है, पूरा देखने के लिए वातावरण क्या होता है, बदलता, उसका रूप ही हम अलग दिखता। वह जिस तरह दिखता है, ठीक है, और उधर क्या परिवर्तन होते हैं, तो उसके लिए क्या कारण है, यह सब विषय हमें और उसके बारे में हमें समझाने के लिए इधर एक कवि पद्य दिए हैं। ठीक है, कौन है, सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित पर्वत प्रदेश में पावस। ठीक है, यह पद्य है बच्चों। तो आज हम क्या करेंगे, इस पद्य के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या है पद्य का नाम, पर्वत 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 प्रदेश में पावस। ठीक है, पर्वत प्रदेश में पावस। सुमित्रानंदन पंत कवि
सुमित्रानंद ने पद, ठीक है। तो पद्य शुरू करने से पहले बच्चों आज हम जरा क्या करेंगे, कवि सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा जरा हम देख उसके बारे में परिचय देख लेंगे। आइए बच्चों जरा हम सुमित्रानंदन पंत जी के परिचय देखेंगे। सुमित्रानंदन पंत कवि परिचय, कवि परिचय, कवि सुमित्रानंद पंत, ठीक है। जन्म और जन्म जन्म और जन्मस्थान कहाँ हुआ, 20 मई 1900 को उत्तराखंड के मौसानी अल्मोड़ा में जन्म हुआ। लोकायतन, ठीक है। और पादी है इनको पंत जी को क्या हुआ है, आकाशवाणी के परामर्शदाता रहे, भारत सरकार हो गया। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, अनेक पुरस्कार से इन्हें अलंकृत भी किया गया है, ठीक है। एक दो लिखो पुरस्कार, पुरस्कार भारत सरकार ने इन्हें पद्मभूषण सम्मान से अलंकृत किया।
सरकार से पद्म भूषण सम्मान, ठीक है। पद्म भूषण सम्मान 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार उदाहरण के लिए ये दो रहे हैं, आगे इधर है और एक प्यारा करके लिखो। 1959 पे उन्नीस सौ उनहत्तर में चिदंबरम 1979 में चिदंबरम संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित ज्ञानपीठ पुरस्कार से ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित सहित अनेक अनेक पुरस्कारों से अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सोचो इस तरह क्या है सुमित रामानंद पंत पंत जी का क्या है ये परिचय है। अब आप जिस तरह कन्नड़ साहित्य में, ठीक है, कन्नड़ साहित्य में जिस तरह ज्ञानपीठ ज्ञानपीठ पुरस्कार से साहित्यकार सम्मानित है, उदाहरण के लिए गिरीश कार्नाड और मास्ती वेंकटेश अय्यंगार विक्र गोपाक है ना, इस तरह अनेक साहित्यकारों ने ज्ञानपीठ पुरस्कार से जिस तरह सम्मानित है, तो उसी तरह हिंदी साहित्य में, ठीक है, हिंदी साहित्य में भी क्या है अनेक साहित्यकारों ने ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है। तो उसमें पहला मतलब हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित या ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया गया पहला कवि, ठीक है, पहला कवि कौन है सुमित्रानंदन पंत है ना। तो इसके बाद उधर भी क्या है अनेक महान साहित्यकारों ने आते हैं, लेकिन पहला साहित्यकार कौन है मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया गया पहला साहित्यकार सुमित्रानंदन पंत, इसके बाद आते हैं आग्नेय, ठीक है, महादेवी वर्मा, ऐसे अनेक साहित्यकार आते हैं, लेकिन उसमें पहला साहित्यकार कौन है सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। तो उनका परिचय है बच्चों ये, ठीक है, तो ऐसा ही एक बार पढ़ता हूँ आप ध्यान से सुनो। 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में जन्मे
सुमित्रा नंदन पंत ने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। 7 साल की उम्र में स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत हुए। 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन शुरू किया और छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने गए। पंत जी की आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद झलकता है। इसके बाद वे मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। इनकी बाद की कविताओं में अरविंद दर्शन का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। जीविका के क्षेत्र में पंत जी उदय शंकर संस्कृति केंद्र से जुड़े, आकाशवाणी के परामर्शदाता रहे, लोकायतन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हुए। ठीक है, पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1969 में चिदंबरा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ। 28 दिसंबर 1977 को हुआ। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं वीणा, पल्लवर, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण और लोकायतन। ठीक है, इस तरह क्या है बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत जी का परिचय है। इधर आप और एक कब उनका निधन है, निधन मुख्य निधन है परिचय में एक लिखा हुआ है। ठीक है, कब हुआ उनका निधन है, 28 दिसंबर 1977 में हुआ। ठीक है बच्चों, तो इनके द्वारा लिखित एक पद्य कौन सा है, पर्वत प्रदेश में पावस। इस पद्य के बारे में आज हम चर्चा करेंगे बच्चों। तो पद्य शुरू करने से पहले तो पद्य में आए हुए कुछ नए शब्द हैं। ठीक है, पहला हम अब कवि परिचय हुआ, तो बाद में नए शब्दों का अर्थ देखेंगे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आपको पद्य का भावार्थ विवरण, ठीक है, देखेंगे। पद्य का भावार्थ लिखवाना है, ठीक है, समय हो तो लिखवाता हूँ, नहीं तो आपको क्या करता हूँ, वो पद्य का भावार्थ क्या है उसका नोट्स मैं आपको भेजता हूँ। ठीक है, नोट्स भेजता हूँ, आप ही क्या करना है वह पढ़ कर क्या करना है किताब में आप लिख लेना है। ये तो परिचय है, परिचय होने के बाद हम क्या करेंगे, पद्य में आए हुए नए शब्दों का अर्थ देखेंगे बच्चों। पर्वत प्रदेश में पावस, पावस इसका अर्थ क्या है, वर्षा ऋतु। ठीक है, दिए है उन्होंने किताब के पीछे है। ठीक है, नए शब्द है, पावस, पावस इसका अर्थ है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु प्रकृति वेश, तो प्रकृति का रूप वेश, प्रकृति तो प्रकृति आप देखते हो, वेश मतलब रूप, मेखलाकार, मेखलाकार करधनी के आकार की पहाड़ की ढाल, पहाड़ की ढाल, पहाड़ की ढाल
नेक्स्ट सदस्य हजार देखना महाकाल महाकाल तो विशाल दर्पण दर्पण मतलब आईना मद मस्ती झाग फेन हृदय उच्चाकांक्षा उच्चाकांक्षा मतलब ऊंचा उठने की कामना तरुण नीरव नीरव शांत आकाश देख लो अभी मैं निकालता हूँ चिंता पर चिंतित चिंतित है चिंता में डूबा हो चिंतित बस चमकीले पंख एवं चमकीले पंख रवशेष रवशेष अनाज का रह जाना चारों ओर शांत शब्द वातावरण में केवल पानी की गिरने की आवाज का रुझान केवल
आवाज का रहजा समय रह के साथ भय मतलब भय के साथ शाल शाल मतलब एक वृक्ष का नाम वृक्ष का नाम तालाब जलदयान बादल मुक्ति विमान जादूगरी ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों सभी पर्वत प्रदेश में भावस पद्य में आए हुए नए शब्द है आप किताब के पीछे है उधर भी आप देख कर लिख सकते हैं ठीक है। ये पूरा नया शब्द है बच्चों। तो कल मतलब आज यहाँ तक रखने दो। तो कल हम क्या करेंगे पद्य का भावार्थ ठीक है। भावार्थ के साथ हम पद्य विवरण शुरू करेंगे बच्चों। धन्यवाद।